नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मस्ती में मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज के एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये है हाजी अली दरगाह। जी हाँ दोस्तों, आज के इस न्यू ब्लॉग में हम लोग आए हैं हाजी अली दरगाह पे दोस्तों। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दरगाह पर आता है उसकी जो भी मन्नतें होती हैं, अगर वो अपनी मन्नतों को मांगता है तो हाजी अली दरगाह पर उनकी मन्नतें ज़रूर पूरी होती है दोस्तों। जिन्होंने दोस्तों हाजी अली दरगाह का निर्माण किया था उनका नाम है हाजी रहमान रजनीकर, जो तीर्थ यात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज़ के मालिक थे। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हाजी अली बहुत ज़्यादा धनी थे और इन्होंने मक्का तीर्थ यात्रा करने से पहले ही अपने सारे धन को त्याग दिया था और मक्का तीर्थ यात्रा में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक आप बने रहिए इस ब्लॉग में, और जो लोग अभी नए हैं दोस्तों तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उनको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप हाजी अली दरगाह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको हाजी अली रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। इसी के बगल में से एक गली गई हुई है, उस गली से अंदर जाना है दोस्तों आप लोगों को। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको आसपास में काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिल रही होगी। और अगर आपको हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाना है दोस्तों तो आपको वो चादर इन्हीं दुकानों में से ले लेना है। आगे से ही आप थोड़ा सा और आगे अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई देगा और आसपास में काफ़ी सारे फकीर भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि आसपास में दोनों ही जगह पानी है समुंदर का और बीच में से रास्ता बना हुआ है जो सीधा हाजी अली दरगाह की तरफ जाता है। तो अब हम भी चलते हैं दोस्तों इसी रास्ते को पकड़ करके सीधा हाजी अली दरगाह पर। जिस समय हम यहाँ पे पहुँचे थे उस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी कम हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप लोग दोनों ही साइड में देख सकते हैं कि अभी यहाँ का जो समुंदर का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन बारिश के समय में ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इस रास्ते के ऊपर से आपको पानी बहता हुआ नज़र आएगा। और ये सारी जगहें जो अभी खाली दिख रही हैं, ये सारी जगहों पर पूरा पानी एकदम भर जाता है और यहाँ पे जो हाजी अली दरगाह है सिर्फ वो ही नज़र आता है और पूरे रास्तों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। मेरे पीछे का नज़ारा मैं आप लोगों को दोस्तों दिखा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक व्यू देखने को मिल रहा है और जो हाजी अली दरगाह है वो मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों हाजी अली दरगाह जो अभी हमारे काफ़ी पास में है और आप आसपास में देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहीं के आसपास में दोस्तों आप लोगों को कई सारे लोग सेल्फी लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो पत्थरों पर बैठ करके सेल्फी ले रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे देखने में, और काफ़ी बड़ा भी है। और आज जो है कि संडे है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से रमज़ान का महीना भी चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको शाम के समय में सनसेट व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक बार दोस्तों मैं हाजी अली दरगाह का जो पूरा एंगल है वो मैं आपको पूरा घुमा करके दिखा देता हूँ और आप लोग खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि हाजी अली जो दरगाह है वो देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अभी चलते हैं सीधा हाजी अली दरगाह के अंदर दोस्तों, और अंदर जाने के बाद में देखते हैं कि हमें यहाँ पे कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो सामने आप लोगों को ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो हाजी अली दरगाह का जो समाधि है वो यहीं पर है दोस्तों। और यहाँ पे अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो इसके लिए ऐसा दिख रहा है। और एक बार मैं दोस्तों आप लोगों को चारों साइड का व्यू दिखा देता हूँ, आप लोग खुद ही देखिए कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
वाओ। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ठीक हाजी अली दरगाह के बगल में से एक रास्ता गया हुआ है दोस्तों, इसी रास्ते से जब हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को बाहर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ठीक इसी के सामने एक बहुत बड़ा समुंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हवा भी लग रही है। तो अब मैं निकल चुका दोस्तों हाजी अली दरगाह के पीछे के साइड में। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं ये पीछे के साइड का है, तो अभी पीछे साइड में भी जा कर के देखेंगे कि हमें वहाँ पे कैसा व्यू देखने को मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, और समुंदर का जो लहर है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और आप लोग देख रहे होंगे कि पानी जो है अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी कम है, इसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो नीचे उतर करके पत्थरों पर बैठ करके सेल्फी ले रहे हैं, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो समुंदर की लहर है जब पानी यहाँ पे पूरा भर जाता है तो ये पूरा ऊपर की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे जो हाजी अली दरगाह है उसके अंदर आज तक का कभी भी पानी नहीं आया है दोस्तों। और यही तो है हाजी अली दरगाह का चमत्कार। और शाम के दोस्तों यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तो अभी जो है कि रोज़ा खोलने का भी टाइम हो गया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा समुंदर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और ये शाम के समय में आप लोगों को जो सनसेट व्यू है वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप थोड़े से और शाम में आएंगे तो और भी अच्छा नज़र आएगा आप लोगों को। ये रहा दोस्तों हाजी अली जी की समाधि, और अभी जो है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा व्यू करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। जो भी आप मन्नतें लेकर के आते हैं वो मन्नतें आपकी ज़रूर पूरी होती हैं, और शाम के समय में कुछ इस तरह से मंज़र यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। और अभी जो है कि दोस्तों हम लोगों ने हाजी अली दरगाह के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हमने देख लिए, और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ और शाम के समय में देखते हैं कि बाहर कैसा नज़र आ रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बाहर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और समुंदर का जो पानी है वो तो ऑलरेडी दोनों साइड में आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों को कम नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।